के दरमियान फैसला कुल मैच देखने के लिए कजाफी स्टेडियम में शायकीन की आमद का सिलसिला जारी, फैंस पुरजोश। ये जो मैंने लिबास पहना पाकिस्तान का झंडा, मुझे पाकिस्तान के हर कोने से बंदा यहाँ मिला है, क्वेटा के लोग मिले हैं, पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ पे लोग आए। गोजरांवाला के पहलवानों ने अखाड़े में स्क्रीन लगा ली, शायकीन कहते हैं जीत हो या फिर हार, पता पाकिस्तान के लिए। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हमारी, क्योंकि चाहे पाकिस्तान जीते या वर्ल्ड 11, हमारे लिए क्रिकेट की जीत है। कहाँ से आए जी? जी गुजर खान से। गुजर खान से स्पेशली फॉर दिस मैच? हां जी, स्पेशली फॉर दिस मैच। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो आई जस्ट ट्रैवल फॉर दिस मैच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सीरीज ओनली। पाकिस्तानी टीम ज्यादा मजबूत लगती है, वर्ल्ड 11 की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं। ज़हीर अब्बास की मैच से पहले आज न्यूज से गुफ्तगू, तौसीफ अहमद कहते हैं वर्ल्ड 11 ने दूसरे मैच में अच्छा कमबैक किया, उनके पास जा रहे बल्लेबाज है तैयारी। फाइनल मैच पर भी आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी, मैच देखने के लिए आए शायकीन के जज्बात का खुलकर इजहार। शरीफ खानदान को अदालती महाज पर एक और शिकस्त, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाहली का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, उनके बच्चों और समधी इसाकदार की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। चार बरसों तक साजिशें की जाती रही, कभी धरना हुआ, कभी धांधली, कभी पैनामा का शोर हुआ, पैनामा केस का फैसला एक मजाक पर खत्म हुआ, मरियम नवाज की लाहौर में घनघोर। पैनामा का इंजाम किस पे हुआ? पैनामा पे चलने वाले मुकदमे का इंजाम एक मजाक पे हुआ। लाहौर से खौफ खत्म हो रहा है और शरीफों का टाइम भी, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कमीशन है। क्या इलेक्शन कमीशन ने पहले किसी को तौहीन अदालत में बुलाया? इमरान खान की कड़ी तंकीद। एनए 120 पर जिमनी इलेक्शन मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। इतवार को अवाम शेर, बल्ला, तीर और तराजू की किस्मत का फैसला करेंगे। जिमनी इंतखाब से मुतालिक आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, हल्का तहलका भी जारी। कुरम एजेंसी के इलाके गौसगढ़ी में अमरीकी ड्रोन हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए, जख्मी और जाँ बहक अफराद मकामी थे, जराही का दावा। खबर एजेंसी में पाक अफगान गेट पर भी 2 बम धमाके, 8 सिक्योरिटी एहलकार और बच्चा जख्मी, बॉर्डर सील कर दिया गया। रेंजर्स की कराची में कार्रवाई, करदम लश्कर बलोचिस्तान का दहशतगर्द गिरफ्तार, फहीम खान पुलिस मोबाइल और सरकारी इमारतों पर हमलों में मुलविस है। और लंदन में दहशतगर्दी, सबवे स्टेशन में धमाके से 22 अफराद जख्मी, वजीर आजम ने कोबरा इमरजेंसी कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया।